हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिया और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने स्किन की टैनिंग से निकाल सकते हैं टैन, और स्विमिंग में जाने के बाद जो टैनिंग हमारे बॉडी पे आती है उसे भी मिटा सकते हैं, पिंपल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, और कैसे आप अपने स्किन को लाइटन कर सकते हैं यानी गोरा बना सकते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमें इस लेप को बनाने के लिए लगेगा चंदन पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल और नींबू। तो सबसे पहले हमें एक बाउल ले लेना है। बाउल में हमें 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेनी है। और उसमें 1 चम्मच चंदन पाउडर डालना है। अब इसमें हमें डालना है 3 से 4 बूंद नींबू के रस। और आखिरकार हमें डालना है गुलाब जल। गुलाब जल इतना हो कि इसका अच्छे से एक पेस्ट बन जाए, जो ना ही ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा थिक हो। ये देखिए हमारा पेस्ट तैयार है, ये कुछ इस तरह का होना चाहिए। अब हमें इसे अपने स्किन पर लगाना है। जहाँ पर भी आपको टैनिंग दिखे आपको वहाँ पे इसे अप्लाई करना है, या फिर जहाँ पे भी आपको पिंपल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है स्किन पर आपको इसे वहाँ पे अप्लाई करना है। करीब करीब 15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही सूखने देना है ताकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। मुल्तानी मिट्टी बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स होते हैं और ये पावर होता है कि इसमें इम्प्योरिटीज़ को ये खींच लेता है। चंदन पाउडर हमारे जो स्किन को ठंडक देता है और साथ ही साथ इसे गोरा भी बनाता है। मुल्तानी मिट्टी जो है इसमें वो हमारे स्किन को टाइट करने में भी मदद करती है। गुलाब जल जो इसमें इस्तेमाल किया गया है वो हमारे स्किन के पीएच को मेंटेन रखता है, और जो नींबू है वो एज अ विटामिन सी हमको देता है और टैनिंग निकालने में सबसे ज़्यादा मददगार होता है। साथ ही में ये हमारे स्किन को न्यूट्रिशन भी देता है, विटामिन सी देता है, और हमारे स्किन को रेडियंट बनाता है, और ऑयल सिक्रेशन जो होता है, जो पिंपल्स वालों के प्रॉब्लम को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो ऑयल बहुत सिक्रेट होता है, उसे भी ये कम करता है। तो ये एक 3-in-1 पैक है जो आज मैंने आपको बताया है, जो आप इजीली घर बैठे बना सकते हैं और काफ़ी किफ़ायती भी है। देखिए अब मेरा लेप सूखने लगा है, अब पानी की मदद से आप इसे निकाल लीजिएगा कुछ इस तरह से। चंदन पाउडर थोड़ा खुरदुरा होता है तो ये हमारे स्किन को थोड़ा स्क्रब भी करता है। पानी से निकालने के बाद इसे अच्छे कपड़े से पोंछ लीजिए। देखिए मेरी स्किन बहुत ज़्यादा रेडिएंट नज़र आ रही है और टैनिंग भी निकल चुकी है। जब हम स्विमिंग से आते हैं तो उसमें जो क्लोरीन होता है उसकी वजह से हम बहुत काले पड़ जाते हैं। तो अगर आपको भी इसी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस लेप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पर अगर आपकी स्किन बहुत ही ड्राई है
तो इस लिप से हो सकता है आपको थोड़ा सा ड्राइनेस हो जाए आपकी स्किन को, तो आप इसमें गुलाब जल की जगह पे दूध ऐड कीजिएगा, या फिर गुलाब जल इस्तेमाल करते हुए भी आप इसमें थोड़ी सी मलाई डाल के इसका पेस्ट बनाएगा और फिर अपने स्किन पर अप्लाई कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपकी स्किन की टैनिंग पूरी तरह से निकल चुकी होंगी, आपकी स्किन ग्लो कर रही होगी और 3 दिन में ही आपका जो टैनिंग है वो सब निकल जाएंगी और पिंपल्स भी प्रिवेंट होंगे, आपको बार बार पिंपल्स की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।